भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही साफ संदेश दिया। विदेश मंत्री ने कहा है कि सीमा पार आतंकवाद और व्यापार दोनों साथ नहीं चल सकते, बिना आपसी भरोसे के संबंधों की मजबूती संभव नहीं है। SCO फोरम से चीन का नाम लिए बगैर दिया गया कड़ा संदेश देते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सामने का सम्मान के बिना मजबूत संबंध संभव नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में SCO बैठक का जो कल आगाज़ हुआ था उसका आज समापन हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलोच जी हैं। हमारे विदेश मंत्री ने भाषण के शुरुआत में ही इस बात की मुबारकबाद दी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ को कि आपने कामयाब आयोजन किया, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातें भी की है SCO चार्टर को लेकर। आपको विदेश मंत्री जयशंकर का भाषण किस तरह का लगा? देखिए, ये जो एक कॉन्फ्रेंस थी SCO की, ये पाकिस्तान ने SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग की चेयरमैनशिप के कॉन्टेक्स्ट में होस्ट की थी, और हमें बहुत खुशी है कि तमाम कंट्रीज इस कॉन्फ्रेंस में आए, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, और पाकिस्तान एक बहुत ही खुले दिल के हॉस्पिटेबल पाकिस्तानी लोग हैं, और हम अपनी हॉस्पिटैलिटी को हमने वहाँ पे भी जो भी लीडर्स आए उनको भी प्रेजेंट की, और हमें इस चीज़ से एक सेटिस्फैक्शन है कि जो लीडर्स यहाँ आए वो यहाँ से पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटीज़ को एंजॉय कर सके और एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सके। जिन दो देशों के बीच कई सालों से बातचीत नहीं हो रही है, मल्टीलेटरल फोरम के जरिए ही उस बहाने से ही दो देशों के बीच के विदेश मंत्री जो हैं वो आपस में अगर अनौपचारिक तौर पे भी बैठ रहे हैं, कुछ बात हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव आस्पेक्ट के तौर पे इसको लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप इसकी एक और इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट ये भी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसके मेम्बर्स इम्पोर्टेंस देते हैं, और आप जानते होंगे 2 साल कबल हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया तशरीफ लेकर गए थे और वहाँ पर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसको डॉक्टर जयशंकर ने चेयर किया था, और ये हमारी भी कमिटमेंट का इजहार था कि पाकिस्तान के लिए SCO इतना इम्पोर्टेंट है कि डिस्पाइट आर डिफरेंसेस, डिस्पाइट द इश्यूज, बायलैटरल इश्यूज, हम SCO के लिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम SCO की कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। तो ये मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बिल्कुल अच्छे माहौल में कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान ने अपनी ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी का मुजाहिरा किया, एंड वी आर वेरी प्लीज्ड विद द आउटकम, बोथ सब्सटेंटिव एंड द फैक्ट दैट लीडर्स अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस। शुक्रिया, थैंक यू। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एक चुनी हुई सरकार सत्ता में लौटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 5 और लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें सुरेंद्र चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ लेने वालों में निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा भी शामिल हैं। आज शपथ समारोह में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन के अन्य साथी अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, CPI नेता डी राजा, NCP के शरद पवार की राज्यसभा सांसद सुप्रिया सूले, DMK सांसद कणी मोई, प्रकाश करात भी शामिल हुए। PDP की नेता महबूबा मुफ्ती ने भी शिरकत की। पाँच 6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएं। और हरियाणा की खबर, यहाँ अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। आज विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। विधानसभा चुनावों में BJP ने नायब सिंह सैनी को CM चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था। BJP विधायक दल को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि शपथ के तुरंत बाद
24,000 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी हाथ के ऊपर बूढ़ा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगी। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। डीए में इस वृद्धि के साथ ये बढ़कर 53% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से लेकर अब तक का एरियर्स भी दिए जाएंगे और इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। साथ ही रबी की फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। गेहूं की एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल, चने की एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर की एमएसपी 6,700 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक राहत की खबर दी है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें ये फैसला लिया गया कि कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को जो महंगाई भत्ता हर महीने मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है और जो कैबिनेट ने फैसला लिया है उसके मुताबिक महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हर महीने 50% महंगाई भत्ता मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगी। ये जो बढ़ी हुई दर है महंगाई दर, वो 1 जुलाई से लागू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो ये एक राहत की खबर आई है और सरकार का ये कहना है कि इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन भोगियों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। ये जो महंगाई दर तय की जाती है वो सरकार के मुताबिक जो पिछले 12 महीने में महंगाई की स्थिति रही है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उसके आधार पर इसको तय किया जाता है, जिसका फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग में दिया गया था। इस फैसले के चलते सरकारी खजाने पर हर साल करीब 9,500 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वो इतना वहन करने को तैयार है। तो दिवाली के पहले, जैसा मैंने कहा, एक अच्छी खबर आई है, एक राहत की खबर आई है और महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है और महंगाई दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गया है। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया। और अब अपने पर्यावरण प्रदूषण की पराली पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार ने कुछ भी नहीं किया, नाम मात्र का जुर्माना लगाया, एक भी केस नहीं है। पंजाब सरकार कहे कि वो कुछ नहीं कर सकती, पंजाब सरकार कहे तो हम झूठा हलफनामा देते हैं। हरियाणा के अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब भी किया है। और पंजाब में कम जली पराली, नासा के सैटेलाइट से मिले आंकड़े, 15 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच के आंकड़े, पराली जलाने के 196 मामले सामने आए। पिछले साल इसी दौरान 845 मामले सामने आए थे, 2022 में सिर्फ 630 मामले ही थे। और जो तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे वो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को लेकर एक और महत्वपूर्ण अपनी टिप्पणी की है। दिल्ली रिज में अवैध रूप से पेड़ काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि हमारा प्रस्ताव है कि हम DDA चेयरमैन LG से एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहेंगे।
जिसमें बताया जाए कि क्या पेड़ों को काटने की अनुमति के बारे में चर्चा के बारे में कोई जानकारी थी, उन्हें कब बताया गया कि अनुमति की आवश्यकता है, उपचारात्मक उपायों के रूप में क्या कदम उठाए गए और रिज की प्राचीन प्रकृति को संरक्षित करने के आदेश के बाद भी गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। पांचवा, जानबूझकर इन तथ्यों को छिपाने वाले अफसरों पर क्या कार्रवाई की गई है। और रिज में पेड़ काटने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है 1100 पेड़ों को गैरकानूनी तरीके से काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं एलजी साहब से कई सवाल। अगले मंगलवार से पहले एलजी साहब को कोर्ट में अपना हलफनामा देना होगा और कोर्ट को पूरी सच्चाई बतानी होगी। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मेयर के चुनाव जल्द करवाने के लिए मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय को खत लिखा है। उन्होंने नियमित किए गए 600 सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी बधाई दी है। मुंबई पुलिस ने एयरलाइंस को मिली बम की झूठी धमकियों के सिलसिले में एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। जांच के तहत आरोपी नाबालिग से जुड़े एक और शख्स से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार धमकी भरे संदेश छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव से पोस्ट किए गए थे। 14 अक्टूबर को नाबालिग आरोपी ने 4 फ्लाइट्स में बम होने की फर्जी कॉल की थी, जिनमें से 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थीं। 2 उड़ानों में देरी हुई और 1 उड़ान रद्द करनी पड़ी थी। तो पूजा भारद्वाज हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्यों इस बच्चे ने ऐसा किया और कौन उसके साथ था? और जी निधि, जानकारी मिल रही है कि 3 फ्लाइट को लेकर इस तरह की धमकी इस नाबालिग द्वारा दी गई थी, जो कि छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव का है। मुंबई पुलिस की यहां पर 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी और जो 3 फ्लाइट है उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं आई। बताया जा रहा है कि मुंबई जेद्दा, मुंबई मस्कट और मुंबई न्यूयॉर्क की ये फ्लाइट थी, जिसमें RDX और आतंकवादी होने की जानकारी दी गई थी एक्स पर पोस्ट के द्वारा। और उसको लेकर जब टिप ऑफ मिला था तो मुंबई पुलिस जो है 3 FIR यहाँ पर दर्ज हुए थे और एक टीम छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुई थी। वहाँ पर कल देर रात तक पूछताछ हुई थी, इसे हिरासत में लिया गया इस नाबालिग को, और उनके पिता से भी पूछताछ हुई थी। तो जो दूसरे शख्स की बात हो रही है, उनके पिता हैं जिनसे जानकारी ली गई, उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर मुंबई लाया गया। मुंबई में बताया जा रहा है कि बाल सुधार गृह में इस नाबालिग को भेजा गया है और उनके पिता से अब भी जानकारी और ली जा रही है। बताया जा रहा है इस पूछताछ में कि एक दोस्त से बदला लेने के लिए इस नाबालिग ने ऐसा किया था, उसके अकाउंट को एक्स पर उसने हैक किया और उसके ज़रिए ये पोस्ट किया था। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके पहले भी जो हिस्ट्री है उसकी कुछ ऐसी ही आपराधिक हिस्ट्री रही है। उसने एक ट्रेन में बम होने की इस तरह की फर्जी जानकारी दी थी, जिसको लेकर उस पर कार्रवाई भी हुई थी। और इसके अलावा कुछ और ऐसे मामले हैं जिसको लेकर उसके पिता से भी और जानकारी ली जा रही है। तो इस तरह से जो 3 फ्लाइट्स थी, मुंबई जेद्दा, मस्कट और मुंबई न्यूयॉर्क, उसमें इस तरह की जानकारी उसकी तरफ से दी गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो 3 कॉल्स का पता लगा है, लेकिन पिछले 3 दिनों में करीब 14 फ्लाइट्स को धमकियां इस तरह से मिली हैं, जो चिंता की बात है। बहरहाल, और अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई प्रतिमा से न्याय की देवी का नया रूप सामने आया है। इसमें उनकी आंखों से पट्टी उतर गई है, हाथ में तलवार की जगह संविधान की प्रति है। ये नई प्रतिमा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। पिछले कुछ महीनों में न्यायपालिका का चेहरा बदला है और बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसमें खास तौर पर अगर हम बात करें किस तरीके से अंग्रेज़ों के कानून हटाए गए, भारतीय न्याय संहिता आई,
नए कानून आए तीन, उसी तरीके से देश की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो सिंबल है, जो एम्बलम है, प्रतीक, वो बदल गया है, पारदर्शी सुप्रीम कोर्ट हो गया है, बहुत सारे बदलाव यहाँ पर आए हैं। और एक बड़ा बदलाव अक्सर हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि न्याय की देवी अंधी होती है, वो जो कॉन्सेप्ट है अंग्रेजों का जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। खासतौर पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पहल पर एक ऐसा नया एक दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से न्याय की देवी जो है यानी कानून अब बंधा नहीं है, बल्कि उनके आंखों से पट्टी हट गई है, उनके हाथ में जो एक तलवार थी उस तलवार की जगह उनके हाथ में अब संविधान आ गया है, और जो तराजू यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं वो ज़रूर बरकरार है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट नया आया है। तो बहुत सारे बदलाव यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। नए सुप्रीम कोर्ट का जो इमारत है वो तैयार हो रही है, जिसमें 5 मंजिला इमारत में 29 कोर्ट रूम बनेंगे, बहुत सारी सुविधाएँ डिसेबल्स के लिए, बहुत सारी जो आधुनिक सुविधाएँ वो होंगी, वर्चुअल कोर्ट जिस तरीके से चल रही हैं, बहुत सारे बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन ये जो बदलाव है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस बदलाव के साथ अंग्रेजों की जो छाप थी भारतीय कानून पर वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।